बहुत ही ज़्यादा स्टीप डाउन हिल जा रहे हैं हम। और ये है दूसरी रेंज, ये लगी हुई है करवर की सब्जी मार्केट। 10 बज गया, हम लेट हो गए हैं, काफ़ी लेट हो गए हैं, एकदम सनी हो चुका है। सामने देखो भाई, बीच दिख रहा है, लुक एट दैट। फाइनली बीच हमें दिखने लग गए हैं। ग्रेट ड्राइव इन रेस्टोरेंट, रात को आओ ना, कुछ पता ही नहीं चलता है। ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, यहाँ पे हम जा रहे हैं शायद। तो उसके रडार में आ रहे हो क्या? हाँ देखो, घूम घूम के हमें गीला कर रहा है। सो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर डे, गुड मॉर्निंग, लेट्स गियर अप फॉर टुडेज एडवेंचर। सो यार, थोड़ा इन शॉर्ट बता दूँ कि हम लोग आए हैं कहीं एक छोटी सी जगह करवर पे, और वहाँ करवर में ही जो है आपका एक शिप म्यूजियम है वहाँ। दिस इज अ वॉर शिप म्यूजियम गाइज, ये वाली जो शिप हम आपको भी दिखाने जा रहे हैं, ये वॉर में यूज हुई है। इसकी आगे की हिस्ट्री हम अभी आपको थोड़ी देर में बताते हैं। थोड़ा सा कल फ्लैशबैक में आपको कुछ बता दें क्या क्या हुआ। तो 12 घंटे के बिना खाना पीने के बाद हमारे थोड़ी बैटरी ऑफ हो गई थी, दिमाग वाग चल नहीं रहा था, तो ज़्यादा चीज़ें हमने आपको बताई नहीं। जॉक फॉल्स से लेके सहस्त्रलिंगा और उसके बाद याना केव्स, अगर आप करने की कोशिश कर रहे हो तो यार अपने पास फूड वगैरह ज़रूर रखना, रास्ते में कुछ भी अवेलेबल नहीं है, इवन पानी की बॉटल मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। सो या वन थिंग इज़ दिस। सेकेंड, याना केव से टूवर्ड्स करवर रोड इज लिटिल बैड, पैची, थोड़ी सी ऑफ रोड भी है, नेटवर्क नहीं है भाई। एंड या सहस्त्रलिंगा एंड याना केव्स, उसके बाद नेटवर्क ही नहीं है। सो इफ़ यू आर प्लानिंग अपने फाइनल डेस्टिनेशन, आपने जो भी जाना है, वहाँ के ऑफलाइन मैप्स गूगल मैप पे अपने डाउनलोड करके रखना। और याना केव्स अगर जा रहे हो, ट्राई एंड टेक द जिप्सी टूवर्ड्स याना केव्स, डू नॉट ट्राई टू वॉक इट ऑफ, बिकॉज यू आर गोइंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल टायर योर सेल्फ, एंड उसके बाद आपका टाइम भी किल होगा। और याना केव्स में अंदर आपको नंगे पाँव जाना पड़ता है, जो आपने वीडियो में कल देखा होगा, कल के व्लॉग में, दैट इज़ अ बिग बमर, बिकॉज उसके बाद जो पैर दर्द होते हैं ना यार, दैट इज़ नॉट वर्थ इट। इन शॉर्ट, हमारी कल पैरों की बैंड बज गई थी और मेरे तो अभी भी दर्द हो रही है। अभी भी दर्द हो रही है? कहाँ दर्द हो रही है गौरव? मेरे बमी में दर्द हो रही है। आई थिंक वो फ्रंट वाला एरिया ही है जो मेंटेन किया हुआ है, ये वाला वॉकवे इन्होंने मेंटेन नहीं किया हुआ है। नाउ वी आर कमिंग टू द हिस्ट्री ऑफ दिस शिप, व्हिच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, सो हैव अ लुक एट दैट गाइस। आप लोगों में से किसी ने अगर इंडियन नेवी ज्वाइन करना है तो ज्वाइन करो इंडियन नेवी, सो दिस इज अ कॉल फॉर दैट। यहाँ पे अलग अलग नेवी के इक्विपमेंट, शिप्स, सबमरीन्स की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। यहाँ पे देखो आगे भी पूरा लगा हुआ है, सो चलते चलते देखते हैं। दिस इज INS चक्रा सबमरीन, न्यूक्लियर सबमरीन बेसिकली। दिस इज द वॉरशिप हियर, यहाँ पे अभी बाद में जाते हैं। INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर फॉर लैंडिंग के लिए यूज होती है। वाओ, एक्चुअली एक चीज बता दूं इनको कि हम लोग इंडियन नेवी को जो है बहुत ही अंडरमाइन करके रखते हैं। मोस्टली हम आर्मी या एयरफोर्स को ही बहुत ज्यादा सुपीरियर मानते हैं, बट इंडियन नेवी ने कुछ ऐसे अटैक्स बचाए हैं जो शायद एयरक्राफ्ट और आर्मी नहीं बचा सकती थी। गाजी अटैक, हाँ गाजी अटैक था जैसे जो कि हमने पिक्चर मूवी देखी है जिसने, हाँ शिशुमार क्लास, क्लास ऑफ शिप्स, यहाँ पे शिप्स और बोट्स का टाइप बताया हुआ है। वाओ गाइस वाओ, कमोर्ता क्लास, द के क्लास, ओ यहाँ तो मिसाइल लॉन्च हो रही है भाई। राइट, राजपूत क्लास, तलवर क्लास, ओके दिस इज द रैंकिंग ऑफ इंडियन नेवी। हेडक्वार्टर्स बताए हुए हैं ये देखो, वेस्टर्न कमांड मुंबई, कोची सदर्न कमांड, विशाखापट्टनम ईस्टर्न कमांड, ये रहा गाजी का, PNS गाजी का, इंडो पाक वॉर ऑफ 1971, पावर ईस्ट इंडिया कंपनी, यही INS चैपल है। अब हम इस बड़ी सी वॉरशिप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, विच इज INS चैपल, डी कमीशनड ऑन 5th of May 2005, मतलब इसके बाद इसके ऑपरेशंस बंद हो गए, राइट। करवर इज नेवल बेस है आपका, और ये जब इसका इंस्टॉलेशन आई थिंक मिस्टर राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर, देन प्राइम मिनिस्टर ने किया था। ओह माय गॉड यार, दिस इज माय वेरी फर्स्ट टाइम, लाइक देखो इस तरीके से ये लोग सोते हैं। सो गाइस, हम शिप के अंदर पहुंच गए हैं, देखो माय वेरी फर्स्ट टाइम, मैं कभी किसी शिप में नहीं आई। माय गॉड दिस इज, ये देखो यार यहां पे इनकी वो पड़ी हैं, मिसाइल्स होती हैं, क्या होती हैं ये? हाँ ये सब इनका असला बारूद, यहाँ मूवी दिखाते हैं क्या? ओहो, दिस इज एंटरटेनमेंट रूम,
एसी चल रहा है, मस्त बैठ सकते हो। अरे एसी चल रहा है, आई थिंक यहां पे ये मूवी दिखाते होंगे इसकी। हां और देखो ये असला बारूद है। ओ माय गॉड, लुक एट दैट, ऑल वायरिंग एंड एवरीथिंग। कैप्टन्स केबिन, दिस इज अ कैप्टन्स केबिन। द छोटे-छोटे रूम्स में दीस पीपल स्टे। एमसीओ ऑपरेटर होता है शायद कोई। ऑफिसर्स केबिन, हाँ ये कैबिन खुला हुआ है, एक अंदर चलते हैं। कौन सा कैप्टन कैबिन खुला? नहीं नहीं दूसरा है ये देखो। दिस इज ऑल रस्टेड, तभी ऐसे हैं। और उस जमाने के कंप्यूटर्स। इंजन रूम गाइस, ये देखो। कभी आए हो इंजन रूम में? ये इतना हीट जनरेट करते हैं ना ये इंजन्स। लुक एट दैट, कभी किसी शिप के इंजन में नहीं गए होगे यार। मैं तो टच भी नहीं कर रही हूँ भाई किसी चीज़ को। देखो नीचे नीचे तक भी है। देखो ऊपर यहाँ पे हर जगह एसी चल रहा है, बिकॉज अगर अंदर आप आ रहे हो तो अंदर वेंटिलेशन का कोई सोर्स नहीं है। सो इन्होंने एसी लगाए हुए हैं सब जगह, एंड एसी इज़ ऑन। टेस्टिंग टेस्टिंग 3 4 5, ट्विंग ट्विंग ट्विंग, कोई सुन रहा है? और ये है क्या चीज़ वो मुझे नहीं पता। देखो भाई ये अभी डीकमीशनड है इसलिए ये सब चल रहा है, नहीं तो अभी तक डूब चुकी होती है। ये तो अगर करना है तो इंडियन नेवी ही ज्वाइन करना, ऐसे मत करो। देखो ये मेन मीटर बोर्ड है जो कि नया सा लग रहा है, वो मैं टच नहीं कर रही हूँ, ठीक है? दिस इज ऑल डेड, राइट? दिस इज ऑल डेड, सो आई कैन टच दैट एंड स्टॉप, सो आई कैन टच दीज। तो इसमें हर एक में सेंसर होता है, जैसे कि ये इसमें ये विंड की स्पीड बता रहा होगा, विंडिंग वगैरह। अब आई एम नॉट श्योर, जो कोई अगर कोई मेबी वी आर गेसिंग, कोई है नहीं यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए। आई थिंक ये बिल्कुल बेस है शिप का, नहीं? हाँ ये नीचे होता है, इसके ऊपर तो फिर वो ऑफिसर्स होते हैं नॉर्मली। बैठ जाओ यहाँ पे, फील ले लो। आओ 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 भाई आओ। बर्तन पड़े हैं यहाँ कुछ, सर जी करछी लेकर खड़े हुए हैं, खाना दे देंगे यहाँ से। ये देखो ये बाहर आने जाने के लिए डोर्स हैं जो कि सील्ड हैं। दिस इज अ पैसेज, दिस इज देयर कॉस्ट्यूम, जहाँ पे लाइट नहीं चल रही है, लाइट एक्चुअली डिम हो चुकी है। ब्लू कलर का पूरा कॉस्ट्यूम है इनका। काइंड ऑफ बाथरूम, कमोड, वाटर क्लोजेट। ओ ये कौन है? ओए मैं डर गई। कप्तान साहब हम कितनी देर तक पहुँच जाएंगे हमारे डेस्टिनेशन पे? देखें जरा कप्तान साहब कोई रिएक्शन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। सर दिस इज वेयर ऑल द थिंग्स हैपन, जहाँ से एक शिप ऑपरेट होती है, चलती है, मैनेज होती है। ऑल राइट, दिस इज डिफिकल्ट मैन। आहा, लुक एट दैट, वी हैव अ बीच व्यू फ्रॉम हियर। एंड देखो मैं शिप की एकदम टॉप पे हूँ, आई एम सिटिंग हियर एंड गौरव इज स्टेयरिंग। मेरे हाथ में कभी कोई शिप मत देना। गाइस हम आ गए हैं शिप के बिल्कुल बाहर, और ये देखो चीले देख रहे हो कितनी सारी हैं। From where you have come, bacha bati? From Arjun Chetan. गौरव तो यहाँ बैठे हुए व्यू का मजा ले रहे हैं क्योंकि हवा इतनी अच्छी चल रही है। कैसा लग रहा है गौरव? मस्त यार, एंजॉयिंग लाइफ में एंजॉयमेंट होनी चाहिए। बिल्कुल, ये देखो रील्स आ रही है इंस्टाग्राम पे, जाके चेक कर लो। और शॉर्ट्स चैनल, यूट्यूब शॉर्ट्स चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे शॉर्ट्स डल रहे हैं जो कि बिहाइंड द सीन्स हैं, गो एंड चेक इट आउट। यूट्यूब वीडियोस में वो नहीं होने वाले। यहाँ से नीचे जाना है थोड़ा मुश्किल है, कैसे जाना है? उल्टा हो जाओ, पकड़ लो कुछ ना कुछ, और टिंड भी आपकी लग सकती है, और ऐसे निकल लो। ऑसम, यहाँ पे हमने कुछ रील्स ली हैं, शॉर्ट्स लिए हैं, जाके चैनल पे चेक करना, बहुत ही मज़ेदार है। गौरव ने तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया है, यू विल लव इट। ओ गॉड, गौरव मेरी चप्पल टूट गई, एंड माई चप्पल टूट गई है। आईनेस चैपल पे चैपल टूट गई।
क्या करूं, कुछ नहीं, अब ऐसे ही चलो, नंगे पैर चलना और कहां। चप्पल टूट गई, कल गए थे ऐसे ही। नंगे पांव कैसे जाऊंगी? तो ऐसे ही चल लो, पकड़ पकड़ के चलोगे? कैसे टूट गई, दिखाओ। टूट गई, पूरी टूट गई। तो तुम ऐसी फ्लिमजी चप्पल क्यों लेके आए हो? चप्पल टूट गई तो अब क्या करूं बताओ? गर्म है भाई। एक काम कर, मेरी चप्पल पहन। नहीं नहीं नहीं, मेरी चप्पल पहन, आ जा, मेरी चप्पल पहन, मेरे को कोई फर्क नहीं। मेरी चप्पल है कोई? अरे नहीं, मेरी चप्पल पहन ना, तो नंगे पांव जाओगे? मैं आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी चप्पल तो उठानी पड़ेगी फिर। गौरव ने अपनी चप्पल शहीद कर दी मेरे लिए। और ये होता है कुर्बानी देगा कौन, आखिर कुर्बानी देगा कौन? हमेशा मैं ही देता हूँ। हाँ, ये कैप्सूल था गौरव। ओए ये क्या है यार, पता नहीं क्या है, भाई क्या चीज है ये? या जब शिप सिंक होता है ये वो है, सेफ्टी कैप्सूल, कैप्सूल हो सकता है। हाँ। अभी तो गो करना नहीं पहुंचे, पूरा ट्रिप बचा हुआ है, आज तीसरा ही दिन है और ये हाल हो गया है। नहीं तो ये फेविक्विक लगा लेंगे। नहीं लगेगी, ये पूरी यहाँ से निकली है। आई लव दिस चप्पल यार, बड़ी अच्छी चप्पल लगती थी मुझे। फाइनली वी आर आउट ऑफ द शिप एंड हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, आइनस चैपल में चप्पल शहीद। राइट, सो गाइज दिस इज द शिप, पेंट करके रखा हुआ है अच्छे से, बाहर से अच्छा दिख रही है। एंड दीज आर द प्रोपेलर्स, ह्यूमंगस प्रोपेलर्स गाइस। कभी मैंने शिप का बॉटम भी नहीं देखा है, बॉटम क्या, कभी शिप ही अंदर से नहीं देखी। डोगू सो रहा है। डोगू, दिस इज अ मिसाइल, दिस इज अ रशियन ओरिजिन मिसाइल P-15U। मिसाइल है या पूरी एयरप्लेन है यार? है एंकर का थ्रेड पूरा सरिया अच्छे वाला लंबा, मतलब ये ऐसा है कि भाई तुम उठा भी नहीं सकते हो, इतना भारी है ये। ये देखो, INS चैपल को टच करके देख रही हूँ कि भाई मैं फाइनली एक शिप मैंने देख ली है, आई एम सो हैप्पी। फाइनली चप्पल को डस्टबिन में ड्रॉप करने जा रहे हैं। मैं यहाँ पे नंगे पाँव ही घूम रही हूँ और हम जा रहे हैं इस मिसाइल की तरफ। गौरव जा रहे हैं गाड़ी में से चप्पल एक और निकालने। जब भी बीच पे आओ एक्स्ट्रा चप्पलें अपने पास ज़रूर रखो, अगर आपको कुछ डाउट रहता है, जैसे कि मैंने रखा हुआ था। गौरव की एक एक्स्ट्रा चप्पल रखी हुई थी, मुझे ये नहीं पता था मेरे काम आएगी। लुक एट दैट यार, लुक एट दैट, दिस इज अ टॉर्पीडो गाइस। एंड चलिए इसका ज़रा बॉटम चेक कर लेते हैं। छोटू मोटू से इसके प्रोपेलर्स हैं यहाँ पे, इसका विंग है, छोटा सा फैन है ये। भाई साहब इट्स अ ह्यूमंगस टॉर्पीडो गाइस। अब इसका फ्रंट देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है यार, ह्यूज है, ह्यूज, आई मीन वाओ। इसकी झाड़ियों में आग लगा दी है, तो मुझे लग रहा है इनके कंट्रोल के बाहर हो गई है। एक्चुअली यहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगली झाड़ियाँ उगी पड़ी हैं, तो आग लगा रहे हैं। पीछे आप मेरे देख रहे हो, वहाँ पे INS चैपल है। मैं वहाँ से वॉक डाउन करते हुए थोड़ा पार्किंग में आ गई हूँ। गौरव गाड़ी लेके आ रहे हैं यहाँ पे पार्क करने के लिए, बिकॉज हम जाने वाले हैं पीछे बीच साइड पे। गाइस चैनल प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट अस, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, छोटी मोटी स्टोरीज को सब्सक्राइब करो और उसके जो यूट्यूब शॉर्ट्स हैं उनको लाइक भी जरूर कीजिए। कमेंट करके बताना आपको वो यूट्यूब शॉर्ट्स कैसे लग रहे हैं। एंड आई होप यू आर ऑल्सो इन्जॉइंग इंस्टाग्राम स्टोरीज। चिल्ड्रन पार्क में से ही यहाँ पे बीच की एंट्री है। क्या ब्लू वाटर दिख रहा है यार। चलो थोड़ा सा बीच इंजॉय करते हैं फिर चलते हैं। मैंने यहाँ पे अपने दूसरे शूज़ पहन लिए जो कि मैं स्पेयर लेके आई थी। बीच पे जब भी आओ, जैसे मैंने बोला, कुछ अपने साथ एक्स्ट्रा दो तीन जोड़ी चप्पलें रखो, कब कौन सी टूट जाएगी नहीं पता। बीच बहुत ज़्यादा साफ़ है यार, और रेत बिल्कुल सॉफ्ट सी रेत है ये देखो। Enjoy the sound of water guys. This is Karwar Beach. So clean, so tidy. थोड़ा सा पानी में जाके यार सी पे जो रिचुअल होता है वो तो कर लें। और वंस इन अ ब्लू मून बीच पे आके कितना अच्छा लगता है ना, बट बार बार आते रहो तो उतना ही बोरिंग लगता है। राइट, हाँ वो तो है। साल में एक बार ही या दो बार ही आके इट्स गुड। देखो पानी कितना क्लियर है। नॉर्मली बीचेस में होता है बहुत ज्यादा गंद की वजह से ना पानी इतना क्लियर नहीं होता है, इसका पानी बहुत ज्यादा क्लियर है यहाँ लोग। और यहाँ पे लोग भी ज्यादा नहीं है, जैसे गोवा वगैरह में क्राउडेड होता है ना बिल्कुल। ये देखो यहाँ लोकल पीपल है भाई। हम जब तक वेव्स में इंजॉय कर रहे थे, ये शिप यहाँ पे शोर तक पहुँच चुकी है। एंड लुक एट दैट, बहुत ही ज़्यादा पास में, इट इज़ मूविंग स्लोली, जैसे अभी INS देखी है ना वैसे ही है। ये है गाइस रॉक गार्डन,
लुकिंग ब्यूटीफुल और ये 1 बजे बंद हो जाता है, 12:15 ऑलरेडी हो गए हैं, सो हम सही टाइम पे आ गए। पार्किंग ऐसे रोड साइड पार्किंग ही है। एक चीज़ है कि यहाँ पे जितने भी डेस्टिनेशंस हैं, विजिटिंग पॉइंट्स हैं, टूरिस्ट पॉइंट्स हैं, वो सब एक ही लाइन में हैं। लाइक सबसे पहले आया था बीच, उसके बाद वॉर म्यूजियम एंड उसके बाद है रॉक गार्डन। दिस इज़ रॉक गार्डन कर्वर, लुक्स अमेजिंग यार। चलो फटाफट फोटोज़ खींचते हैं बिकॉज वी हैव लेस ऑफ टाइम, जस्ट 40 मिनट्स रह गए हैं, लंच ब्रेक होने वाला है इनका 1 बजे। लुक एट दैट स्टैचू, नाम दिया हुआ है कनूबी कम्युनिटी, प्रॉपर मेंशन किया हुआ है। एक अंकल वहाँ पीछे छुप के बैठे हुए हैं। आप इंजॉय करो कर्वर के रॉक गार्डन का टूर। By the beach side, this place looks really great. मतलब आधे घंटे में आप कर लोगे यार ये प्लेस। थोड़ी धूप ज़्यादा हो रही है इसलिए हम निकल रहे हैं, खाना वाना खा के आगे गोकर्णा की तरफ निकल। मस्त है यार, बहुत मस्त है, बहुत बहुत सही चल रहा है। बस गर्मी थोड़ी ज़्यादा हो रही है, पानी 2 लीटर पी चुका ऑलरेडी। सर हम गए थे वहाँ पे भी कुछ इसी तरीके से था, वो वीडियो ऑलरेडी चैनल पे होगा अगर चेक करना हो। वो भी बहुत ब्यूटीफुल प्लेस थी एंड पेरेंट्स के साथ वहाँ पे हमने पिकॉक भी देखा था, शायद वाइट पिकॉक था, शायद नहीं याद नहीं है मेरे को एग्जैक्टली, डियर था पिकॉक था, डियर तो था राइट। चलो ठीक है यहाँ से काली रिवर चलते हैं एंड देन वी आर गोइंग टू गो टू गोकर्णा लंच के बाद। आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड बिकॉज वहाँ पे एटलीस्ट 2 से 3 दिन हम रुकने वाले हैं। डिसम्बर वॉज अ गुड टाइम फॉर कोस्टल कर्नाटका। आई होप यू आर इन्जॉइंग द सीरीज, इफ यू आर देन प्लीज डू कॉमेंट, सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द चैनल, छोटी मोटी स्टोरीज को सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, पोस्ट रील्स एंड स्टोरीज, बहुत कुछ जा रहा है एक साथ, मैंने कभी नहीं ऐसा किया है। मैं पोस्ट कर रही हूँ, गौरव इज़ रिप्लाइंग, सो हमारा काम डिवाइडेड है। आई होप यू आर इन्जॉइंग दिस सीरीज, सी यू इन सम टाइम। यहाँ पे रॉक गार्डन का भी एंट्रेंस टिकट है जैसे कि वॉर म्यूजियम में था। दिस इज काली रिवर गार्डन, यहाँ पे बोटिंग भी होती है, 3 टाइप की बोटिंग है, एक स्पीड बोट है, एक क्रूज बोट है और एक काली टेम्पल आइलैंड है, आइलैंड तक जाती है। सो बोट सबके अलग अलग चार्जेस हैं, मिनिमम इज 200 एंड मैक्सिमम इज 750। तो 750 वाला क्रूज़ बोट है जो कि 1.5 घंटा के करीब लेता है और जो काली माता टेंपल तक जाता है वो 450 पर पर्सन है एंड 10-15 मिनट्स का होता है वो। ये पूरा ये देखो ये जा रही है एक छोटी बोट यहाँ पे, स्पीड बोट। सो ये यहाँ से ब्रिज से होके वापस टर्न आ जाएगी, दिस इज़ 200 पर पर्सन। बीच से हम सीधा रिवर पे आ गए। ये देखो ये स्पीड बोट है, ये मस्त हो गया, स्पीड बोट में जाना में मज़ा आता होगा है ना। सो गाइस ये जो पुल आप देख रहे हो ये आपका मजाली और गोवा की तरफ जा रहा है और ये जो आपने आइलैंड दिखाया आपको, ये आइलैंड जो माता टेंपल था, काली माता टेंपल है ठीक है, और ये जो ब्रिज है ये ऑन द काली रिवर है। सो गाइस अगर आप में से कोई कर्वर में है या नॉर्थ कर्नाटका का है और जो कोस्टल कर्नाटका साइड का है तो वो आप बताना हमको कि हमने आपकी सिटी को अप्रोप्रिएटली कवर किया कि नहीं। बहुत हमने बहुत ही कम साइट सींग्स करी हैं, जो फेमस साइट सींग्स होती हैं, हो सकता है आपके सजेशन के बेस पे और कुछ भी देखेंगे हैं आप। एंट्री फीस यहाँ की है 15 रुपीज़ पर पर्सन और आपका बाहर का खाना अलाउड नहीं है, हमारे से प्लास्टिक की बोतल हमारी छीन ली गई और बाहर पड़ी है, बिस्लरी की बोतल ली थी, पानी बहुत चाहिए होता है यार यहाँ पे। ये है वॉशरूम्स होके आते हैं अभी। 2 बजे हैं अभी, लंच हमने कर लिया, अराउंड 1:30 बजे ही लंच कर लिया था। धूप इतनी कड़ाके की निकली हुई है ना भाई। और गौरव करवर तो पहुँच ही गए हैं, गोवा चल लें? गोवा का प्लान कैंसिल, पोपटलाल मत बनो क्योंकि गोवा में हर तरफ से लोग आए हुए हैं, हम लोग अभी गोवा अफोर्ड नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ ओमिक्रॉन। क्रॉन यार मैं पता नहीं उसको वो भुट्टा क्यों बना देती हूँ। सही बात है, यहाँ पे है ये कर्वर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। अब गोवा कभी और चलेंगे यार, साउथ गोवा देखना है। हाँ कभी और चलेंगे, अभी इस टाइम पे सही नहीं है, मेरे को
बहुत लोग जा रहे हैं यार, बहुत 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 बहुत। हाँ ये तो है यार, न्यू ईयर का टाइम है ना, तो रश भी बहुत ज्यादा है। एंड ही हैज अ पॉइंट कि भाई अभी तो आउटब्रेक हो रहा है जिसका इलाज नहीं है यार। एक्चुअली करवर यहाँ पे बिल्कुल खाली पड़ा है, बिल्कुल खाली है। बहुत ही अंडररेटेड सी टाउन है यार ये। हाँ, यहाँ की अपनी एक चिल्ड वाइब है, अच्छी जगह। वी लव्ड इट, हम पहली बार आए हैं, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। अब फिर काम को करने ही जा रहे हैं। हाँ, तो हम 3 बजे पहुँच भी जाएंगे, अभी 2 बज रहे हैं, 1 घंटा ही है बस यहाँ पे। ओह, वी आर सो क्लोज। ठीक है, तो हम डायरेक्ट क्यों नहीं गए कल? कल भी जा सकते थे बट कल थके हुए थे। चलो अब आपको फिर से रोड के दर्शन कराते हैं। 3:15 बजे तक हम गोकर्णा टच करेंगे या टिल आर होटल। और ये साथ साथ हमारे बीच अब चल रहा है। आई स्टिल रिमेम्बर द डे जब हम फर्स्ट टाइम गोकर्णा गए थे और हम ना ऐसे कर रहे थे यार, बीच ही नहीं दिख रहा, सी नहीं दिख रहा, बीच ही नहीं दिख रहा। और हुआ क्या कि एकदम से सामने बीच दिखा और वो जो हिल थी ना वहाँ पे, वो कर्व्स वाले ड्राइव होती है, हिल थी ना वहाँ पे। ये देखो हम बीच के अलॉन्ग चल रहे हैं, सच अ सीनिक व्यू। अब जो हम रात को कल हमने मिस किया वो अब यहाँ से दिखाएंगे आपको। यहाँ से दिखेगा। राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। वाओ 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 वाओ, ये देखो मौसम यार कितना सुंदर लग रहा है। एक करवर पोर्ट बोलते हैं इसको, जो करवर पोर्ट लिखा है। अच्छा, वो जो बड़ी शिप आ रही थी वो यहीं आ रही होगी फिर। हाँ, ये पोर्ट है यहाँ पे यार, वो इमिग्रेशन वगैरह भी होता होगा ना, जैसे कुछ सामान आता है बाहर से तो यहाँ पोर्ट पे उतारते हैं। और करवर पे ही अभी पीछे कुछ हुआ था यार, कुछ तो आई थिंक अदानी का या किसका, इसके बोट वो इनकी आती हैं, इनके शिप्स वगैरह ये पोर्ट्स पे ही आती हैं। तो इनके अलग अलग पोर्ट्स होते हैं, जैसे पोरबंदर एक पोर्ट है, पोरबंदर भी है, फिर और भी कोई पोर्ट है। तो ये सबसे ईजीएस्ट पोर्ट मिलता है मेरे को लगता है शायद, जो इंडिया में घुसने के लिए, जो वेस्ट से आ रहा होगा, अबू धाबी या उधर साइड से यूएई वगैरह से कोई आ रहा होगा, तो ये सबसे ईजी रहेगा। गुजरात थोड़ा सा ऊपर है, राइट, ये थोड़ा सा, फिर ये भी है, पाकिस्तान वाला साइड भी है। ये कितनी क्यूट कार लग रही है यार। लेफ्ट, कल इसी से आए थे, इस साइड से आए थे हम। रोड ट्रिप की खूबसूरती ना एक्चुअली यही होती है कि डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचना होता, बट जो ये रास्तों से आप निकलते हो ना, ये होती है चीजें जो आपको एक्सपीरियंस दे जाती हैं और एक मेमोरीज क्रिएट कर देती हैं। हर रूट डिफरेंट होता है। अब हम जैसे नॉर्थ की साइड गए थे, वहाँ का रूट डिफरेंट था, साउथ की साइड डाउन आए हैं तो यहाँ का रूट डिफरेंट है। हाँ, फ़ोन करके कंफर्म कर लो होटल का, हमने booking.com से किया है, अगेन पे ऑन अराइवल, राइट। बट हाँ, उनको कॉल करके हम रिकन्फर्म ज़रूर करते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि वो मना भी कर देते हैं कि हमारे पास है नहीं या ये नहीं है या रेट्स ये नहीं है, कुछ हमने गलत रेट्स डाले हुए हैं, सो वो सब रीचेक करना भी ज़रूरी होता है। इस होटल गोकर्णा इंटरनेशनल, यहाँ पे हमने रूम ले लिया है एंड यहाँ पे बालकनी भी है। अभी कुछ यहाँ पे 3:30 हो रहा है, सो बहुत तेज धूप है। दिस इज द बालकनी, क्यूट बालकनी है एंड दिस इज द व्यू। थोड़ा ट्रैफिक की चीची पैपा है, सो काफ़ी ओल्ड प्रॉपर्टी लग रही है बट वेल मेंटेन्ड है, साफ़ सुथरी है एंड रूम्स क्लीन है। दिस इज़ वॉट वी नीडेड। दिस इज़ द बाथरूम, नीट एंड क्लीन, शावर है। ओके, सो ये हमारा बड़ा बैग है जो कि हम हर जगह नहीं लेके जा रहे थे एंड बस अब थोड़ी देर रेस्ट करते हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, मेरा तो फेस भी रेड हुआ पड़ा है। सो हम हैं गोकर्णा बीच पे इस वक्त और बीच यार रात को ही देखने में थोड़ा गंदा लग रहा है, तो बहुत डेंजरस है यार। और लास्ट टाइम जब हम आए थे यहाँ पे कुडले बीच में थे और वो तो और ख़तरनाक था यार, वो कुडले बीच वॉज मोर डेंजरस। ये तो यहाँ फिर भी लोग बैठे हुए वहाँ तो बट आई थिंक वो ज्यादा बेटर है, ये वाला बहुत गंदे बीच है यार। हाँ, वो वहाँ पे टूरिस्ट ज्यादा आता है और यहाँ की जो रेत है इतनी फाइन रेत है, मतलब मैं करवर की रेत को बोल रही थी, यहाँ पे तो उससे भी ज्यादा फाइन रेत है, पैर उसके अंदर ही जाए जा रहे हैं, ऐसी रेत है बिल्कुल सॉफ्ट। अभी हम थोड़ा जहाँ पे आपको लाइटें वाइटें दिख रही है ना वहाँ तक जा रहे हैं, देखते क्या है। कुछ शेक वैक है तो 100-200 रुपए लेके बैठ जाते हैं, फिर कुछ वापसी आ जाएंगे। फिर तो घूमते घूमते हम कुछ इस कैफे में आ गए हैं एंड वी आर ऑर्डरिंग सम नूडल्स एंड समथिंग थोड़े मंचेस के लिए। द वाइब इज रियली ग्रेट ऑफ दिस प्लेस। अभी कुछ शाम का 8 बज रहा है, शाम तो अभी जवान है
यहाँ पे पूरी फुल ऑन गोवा वाइब करी हुई है. गौरव एंड मी आर सिटिंग ओवर हियर वॉचिंग द वेव्स ओवर देयर. तो भाई हमारा तो आ गया है हक्का नूडल्स. कैसा है गौरव? नाइस. एंड मैंने ली है हॉट चॉकलेट बिकॉज हम लोग दूसरे ड्रिंक्स नहीं लेते हैं. यार ये बहुत बड़े वाला पॉपट हो गया गौरव. क्या पॉपट हुआ? हम अंदर एंटर किए कॉफे में तो वो स्लो सॉन्ग लगा दिए जैसे रोमांटिक सॉन्ग होते हैं. तो उसको लगा कि भाई हम लोग शरीफ बच्चे हैं, हम लोगों ने कोई दारू वारू नहीं लिया तो अच्छे सूदिंग स्लो सॉन्ग. जैसे निकल गए ना, अब सुनो ढिंचा गाने चल रहे हैं. हद है यार, बड़ा वाला पोपट हो गया यार ये तो. यहाँ पे इंटरनेट भी नहीं चल रहा है. तो गाइस इसी के साथ आज का दिन और आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं. चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाओ, छोटी मोटी स्टोरीज को भी सब्सक्राइब करो, लाइक करो और उसकी वीडियोस भी शेयर कर सकते हो. वो यूट्यूब शॉर्ट्स का चैनल है हमारा ही. इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, बहुत सारी रील्स पोस्ट एंड स्टोरीज जा रही हैं. सो आई होप यू आर इन्जॉइंग द सीरीज. सो गाइस मिलते हैं कल. कल का दिन हमने क्या करना है वो नहीं पता. मैं बार बार थोड़ा घुमा के देख रही हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा अंधेरा है. गुड नाइट. चलिए बाय. अस्ता ला विस्ता बेबी. ओ माय गॉड, आई विल बी बैक. मेरे को चक्कर आने शुरू हो गए.